अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सलमा और आप देख रहे हैं सलमा फूडी। आई होप आप लोग बिल्कुल फाइन होंगे और अपने फूड को ही बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, करने वाले होंगे। तो मैंने बहुत लेट वीडियो बनाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो चलें फिर आज मैं क्या खाऊंगी, मेरा दिल कर रहा है। क्या आपका दिल कर रहा है कुल्फ़ी खाने का? मेरा तो कर रहा है कुल्फ़ी खाने का। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी जो है कुल्फ़ी शेयर कर ले। फिर चलते हैं, तो फिर चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो कुल्फ़ी बनाती हूँ आज मैं, जिस तरह की मैं बना के खाती हूँ उसी तरह से मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो चले फिर चलते हैं। ये रही कुल्फ़ी और ये मेरी कुल्फ़ी पिघल चुकी है क्योंकि गर्मी थी तो इस वजह से मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी। तो हम इसको जल्दी जल्दी बना लूँगी ताकि पिघले नहीं। और मेरे पास बादाम है, तो मलंगा है और खोपरा है और रूअफ़ज़ा है। तो चलो फिर जल्दी से मैं अपनी ग्लास लेती हूँ इससे पहले कि ये बिल्कुल पिघल जाए। ये हैगी कुल्फ़ी, ये पिघल चुकी है, ये पिघली भी नहीं थी क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाल ली और गर्मी बहुत है तो इस वजह से पिघल चुकी है। आप लोग जब कुल्फी बनाए तो फौरन से बनाइएगा। और ये मैंने चॉकलेट वाली जो है कुल्फी ली थी, खोए और कुल्फी चॉकलेट वाली। अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा रूअफ़ज़ा ऐड करूंगी कलर देने के लिए। एक तरह से फालूदे के शेप पे बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर जो है नारियल डालूंगी, खोपरा वो ही पिसावा, और थोड़े से बादाम ये मैंने काट लिए थे। अब ये जो थोड़ा सा दो बचा हुआ है इसका आइसक्रीम कुल्फ़ी का सिरप, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी क्योंकि ये खोया है। तो ये बन गई मेरी आइसक्रीम कुल्फ़ी। ये है मेरी इजी सी रेसिपी जो मैं हमेशा खाती हूँ। जब मैं कुल्फ़ी बनाती हूँ तो मैं ऐसी कुल्फ़ी खाती हूँ। तो ये है मेरी कुल्फ़ी और ये बहुत मज़े की, ये ठंडी बहुत है और ये अब मैं खाऊँगी। ये देख सकते हैं आप, नहीं मिक्स नहीं करूँगी, मिक्स करूँगी पिघल जाएगी सारी। ये रही कुल्फ़ी, मिक्स करने बाद और मज़े ही रहेंगे।
अगर आप चाहें तो इसको वापस से फ्रीजर में रख सकते हैं। फ्रीजर में रख के वापस से आप इसको जो है और ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है पहले से बाय करके रख ली थी, तो इस वजह से जो है ये पिघल गई, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रीजर से निकाल ली थी। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिएगा, और मेरे इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ईद आ रही है तो अब सोच रही हूँ ईद पर कुछ अच्छा सा और वीडियो बनाऊँ, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और सब कुछ बोल दिया ना, लाइक सब्सक्राइब नहीं, बस अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।